अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हरियाणा में भले ही गठबंधन के जरिए बीजेपी ने सरकार का गठन का रास्ता साफ कर लिया हो, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान जारी है। महाराष्ट्र की सत्ता की चाबी फिलहाल एनसीपी के हाथों में नजर आ रही है। ऐसे में शरद पवार बीजेपी या शिवसेना में जिसके साथ खड़े हो जाएंगे, सत्ता का सिंहासन उसका हो जाएगा। इसके बावजूद शरद पवार से लेकर एनसीपी के तमाम नेता सरकार बनाने से ज्यादा विपक्ष में बैठने को लेकर सहमत हैं। एनसीपी अगर अपने स्टैंड पर कायम रहती है तो शिवसेना के पास बीजेपी के साथ सरकार बनाने के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन शिवसेना बीजेपी के साथ हुए अपने पुराने करार को याद करवा रही है और साफ संकेत दे रही है कि जब तक उन्हें लिखित में आश्वासन नहीं मिलता, वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर ये भी देखने को मिली कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास शिवसेना और बीजेपी दोनों ही दलों के नेता अलग अलग मिलने पहुंचे, जो बताता है कि भले ही सार्वजनिक मंच पर दावा किया जाता है कि सब सही है, लेकिन हकीकत में सब कुछ सही नहीं है। महाराष्ट्र की सियासत में ठीक वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है जो माहौल 2014 में सरकार बनाने के वक्त देखने को मिला था। शिवसेना की तरफ से 50-50 फॉर्मूले को लागू करने की मांग की जा रही है और उस मांग में कंडीशन यही है कि पहले उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद दिया जाए और बाद में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए। शिवसेना की इस मांग को विधायक कई बार दोहरा भी चुके हैं। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो एक दूसरे के दुश्मन एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं, तो राजकारण में कोई भी किसका दोस्त और दुश्मन दोस्त बन सकता है। साथ ही बात की जाए शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तो शिवसेना कार्यकर्ता आदित्य ठाकरे को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने में लगे हैं। शिवसेना के नेता जगह जगह आदित्य ठाकरे के पोस्टर लगा रहे हैं और उन्हें भावी मुख्यमंत्री बता रहे हैं। गजब की बात यह है कि शिवसेना जहां बीजेपी पर दबाव बना रही है, वहीं अपने मुखपत्र सामना में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तारीफ कर नए विकल्पों के समीकरण भी साध रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं और सरकार बनाने का पेच फंसता दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनती है और कौन मुख्यमंत्री बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।